नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 जून दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जल संरक्षण के कार्यों में बिहार इस नंबर पर। बिजली विभाग के कार्य प्रणाली में हुआ बड़ा बदलाव। मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश के 12 राज्यों में गए भेजे। आज आएगा जेईई एडवांस का रिजल्ट, ऐसे करे चेक। ओडीआई डब्ल्यूसी को लेकर पीसीबी पर फूटा शाहिद अफरीदी का गुस्सा। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में 100 पदों पर भर्ती। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा 100 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को भारत सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, परियोजना इंजीनियर, बीई, बीटेक, बीएससी, इंटीग्रेटेड एमई, एमटेक पाठ्यक्रम या समकक्ष और परियोजना अधिकारी, एमबीए, एमएसडब्ल्यू या पीजी डिप्लोमा, सीए, आईसीडब्ल्यूए उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bdl.india.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। जल संरक्षण के कार्यों में बिहार इस नंबर पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल संरक्षण के कामों को देखते हुए नेशनल वाटर अवार्ड 2022 वितरित किए गए, जिसमें बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि केंद्र सरकार की ओर से जल संरक्षण के कार्यों में बिहार को तीसरा पुरस्कार दिया गया है। हालांकि तीसरे स्थान पर बिहार अकेला नहीं है, बल्कि बिहार के साथ आंध्र प्रदेश भी है, जिसने साझा तौर पर तीसरा पुरस्कार जीता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इस क्षेत्र में पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश और दूसरा पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यों को पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और नकद राशि दी गई। वहीं बिहार के इस उपलब्धि पर बिहार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा इस पर खुशी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय पार्ट 2 में भी जल संरक्षण को लेकर जोर दिया गया है। जल और हरियाली का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमारी सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया था। इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र तक में सराहा गया है। बिहारी भोतरे में आज हम बात करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म आज ही के दिन 1887 में हुआ था। यह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सह श्रम मंत्री थे। अनुग्रह बाबू भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना जाता था। उनके कार्यकाल में बिहार में उद्योग धंधे का जाल बिछा। यह भारतीय राज्य बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे, जिसे भारत के संविधान को लिखने के लिए चुना गया था और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहली संसद में कार्य किया। उन्होंने श्रम, स्थानीय स्वशासन, लोक निर्माता आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण, स्वास्थ्य और कृषि सहित कई पोर्टफोलियो भी संभाले। अनुग्रह बाबू ने 13 वर्षों तक बिहार की अनवरत सेवा की। बिजली विभाग के कार्य प्रणाली में हुआ बड़ा बदलाव। बिजली विभाग के द्वारा बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए अपने कार्य प्रणाली में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत अब राज्य में बिजली ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आने पर उसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा हर जोन में एक एक विशेष टीम रखने का निर्णय लिया गया है। जबकि पहले खराबी में सुधार करने के लिए पटना से विशेष टीम जाया करती थी। मालूम हो कि इसके लिए जोन की संख्या को भी 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और कोसी में जोन बनाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह अब ट्रांसमिशन कंपनी के अधीन 5 जोन, 15 अंचल और 31 प्रमंडल हो गए हैं। बता दें कि जोन की संख्या बढ़ाने के साथ ही कंपनी के द्वारा कर्मचारी व अधिकारियों के पद भी नए सिरे से सृजित किए गए हैं, जिसके बाद अब कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है। G20 प्रतिनिधि मंडल का बिहार के लोकगीत एवं नृत्य से होगा स्वागत। 22 और 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में G20 समूह की बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक में विदेश से आने वाले मेहमानों का बिहार के लोकगीत एवं नृत्य से स्वागत किया जाएगा, जिसमें मिथिला की सावा, चकेवा, झिझिया, हुड़का, मघी, झूमर, कजरी, चौड़ा और पारंपरिक संगीत के एक प्रकार सोहर शामिल है। इस बारे में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अतिरिक्त सचिव दीपक आनंद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उनके द्वारा पहले ही राज्य के प्रसिद्ध लोक नर्तकों, गायकों और कलाकारों का चयन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदर्शन करने वाले कलाकार अपने अपने अभ्यास में व्यस्त है। उन्होंने बताया कि बिहार का लोकगीत और नृत्य देश के बाहर भी काफी पसंद किया जाता है। इंटर दाखिला में 16 लाख सीटें सिर्फ बेटियों के लिए।
बिहार बोर्ड की ओर से इस बार इंटर के दाखिल के लिए 22.5 लाख से अधिक सीटें जारी की गई हैं, जिनमें से 16 लाख सीटें ऐसी हैं जिस पर केवल छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा, यानी कि ये 16 लाख सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष बोर्ड की ओर से राज्य स्तर पर कुल 10,388 स्कूल और कॉलेजों की सूची जारी की गई है, जिसमें से 2,000 बालिका स्कूल है और 844 बालक स्कूल है और बाकी के बचे स्कूल सह शिक्षा है। ऐसे में सह शिक्षा वाले स्कूलों में 50% सीटें छात्राओं के लिए तो 50% सीटें छात्रों के लिए आरक्षित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटर में दाखिला लेने के लिए OFSS पर आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है। अब मेधा सूची के आधार पर छात्रों को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे, जिसमें उन्हें नामांकन लेना अनिवार्य होगा। भीषण गर्मी के बीच बिहार में बढ़ी बिजली की डिमांड। इन दिनों बिहार में मानसून के आगमन के बाद भी लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में इस भीषण गर्मी के बीच बिहार में बिजली के डिमांड में भी बढ़ोतरी आ गई है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पीक डिमांड 7000 मेगावाट को पार कर गई है। मालूम हो इस बात की जानकारी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 16 जून 2023 को रात 8:58 बजे राज्य में बिजली की मांग 7093 मेगावाट थी, जिसे पूरा करने के लिए हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा निर्देशित राज्य के बढ़ते मांग को पूरा करने के लिए मजबूती बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे करकटगढ़ जलप्रपात के बारे में। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर जिले का एक मुख्य जलप्रपात है। यह जलप्रपात बहुत सुंदर है। यह जलप्रपात बारहमासी है। यह जलप्रपात मगरमच्छों का आश्रय स्थल है। यह एक संरक्षित आश्रय स्थल है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 35 मीटर है। आप यहां पर आकर जलप्रपात का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। बरसात में यह जलप्रपात बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि यहां पर चारों तरफ हरियाली देखने के लिए मिलती है और जलप्रपात में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा रहती है। यह जलप्रपात ऊंची चट्टानों से नीचे गिरता है। जलप्रपात का दृश्य देखने लायक रहता है। करकटगढ़ जलप्रपात घने जंगल के अंदर स्थित है। करकटगढ़ घाटी भी बहुत सुंदर है और यहाँ पर आपको जंगली जानवर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बना हुआ है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। पार्क में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आकर आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश के 12 राज्यों में गए भेजे। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपने स्वाद के लिए न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जानी जाती है। बता दें कि इस वर्ष मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद देश के कुल 12 राज्यों के लोगों के द्वारा चखा गया है। दरअसल मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 मई से 14 जून तक वीपी पार्सल द्वारा कुल 6,102 क्विंटल लीची को लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन भेजा गया है और इसके साथ ही 9 मई से 14 जून तक लूज पार्सल वे द्वारा 4,310 क्विंटल लीची अहमदाबाद, गुवाहाटी, अमृतसर समेत कई स्टेशनों को भेजा गया है। यानी कि इस वर्ष कुल 10,412 क्विंटल लीची को देश के दूसरे राज्यों तक भेजा गया है, जिससे कि रेलवे को कुल 42,11,000 रुपए के राजस्व की प्रॉफिट हुई है। अनुदानित कॉलेजों को हाजिरी भेजने का निर्देश। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी अनुदानित डिग्री कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकतर कर्मचारियों के प्रतिदिन हाजिरी रिपोर्ट को विभाग को भेजा जाए। बता दें कि राज्य में ऐसे कुल कॉलेजों की संख्या 225 है। मालूम हो कि भेजे गए पत्र में विभाग की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह निर्णय राज्य के उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया है। ऐसे में सभी कॉलेजों के कुल सचिव अपने अधीनस्थ अनुदानित कॉलेजों की हाजिरी रिपोर्ट विभाग के पास प्रतिदिन ईमेल के माध्यम से अपराह्न 3 बजे तक भेज दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन अनुदानित कॉलेजों को राज्य सरकार की ओर से हर साल अनुदान दिया जाता है। पाकिस्तानी सिंगर ने शेयर किया बिहारी बॉय का वायरल भोजपुरी गाना पसूरी। आपने पसूरी गाना तो जरूर सुना होगा, जिसे पाकिस्तानी सिंगर अली सेठी और साई गिल के द्वारा गाया गया है। वहीं अब इस गाने को एक और बिहारी लड़के ने भोजपुरी में गाकर रातों रात वायरल हो गया है और अब तक उसके इस गाने को 1.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गाने को भोजपुरी में गाने वाले का नाम शिवम कुमार है। मालूम हो कि शिवम के इस गाने के वीडियो को अब पसूरी गाने के ओरिजिनल सिंगर अली सेठी के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया गया और इसके अलावा उन्होंने शिवम को पर्सनली मैसेज कर उन्हें बधाई भी दी। वहीं शिवम के इस गाने के वायरल होने के बाद उनके माता पिता काफी खुश हैं और उनके दोस्तों के द्वारा भी उन्हें बधाई दी गई है।
बिहार को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। 26 जून को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाने वाला है। वहीं अब इस बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार को एक और वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिल सकता है, जो कि पटना से साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, क्यूल के रास्ते होते हुए मालदा के बीच चलाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर पटना से इस ट्रेन का परिचालन होता है तो पटना से मालदा के बीच 400 किलोमीटर की दूरी 5 से 5.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। मालूम हो कि मालदा रेल मंडल के DRM विकास चौबे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व रेलवे मुख्यालय के द्वारा वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से संबंधित रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। मोतिहारी में तस्करों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन अवैध शराब की तस्करी के मामले और तस्करों के गिरफ्तारी के मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहां मोतिहारी के प्रभारी पुलिस अधीक्षक सह सदर SDPO IPS राज के द्वारा शराब की सूचना मिलने पर पुलिस टीम और अलग अलग दो थानों को कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए छापेमारी अभियान चलवाया गया, जिसमें चिरैया थाना क्षेत्र के हड़बोलवा गांव से एक ट्रक से 425 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया और साथ ही दो तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई, जिसकी पहचान कुंडा वचैनपुर थाना क्षेत्र के निरंजन सिंह और चिरैया थाना क्षेत्र के संजय यादव के रूप में की गई है। वहीं दूसरे ओर चकिया DSP के नेतृत्व में चकिया थाना इलाके के मानसी छपरा गांव के समीप एक बगीचे में ट्रक और बोलेरो पर लदी 4,039 लीटर शराब बरामद किया गया है, जिसे हरियाणा से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी का दौर जारी। बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पटना समेत दक्षिण और पश्चिम हिस्से में लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग IMD बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 18 जून को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग और दक्षिण मध्य भाग के एक या दो स्थानों पर उष्ण लहर की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर तथा उत्तर पूर्व के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगर हम कल के मौसम की बात करें तो IMD बिहार के अनुसार जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार कल यानी 19 जून को उत्तरी और दक्षिणी पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों में लू की संभावना जताई गई है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने की तारीफ। मशहूर फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट के द्वारा अपनी अपकमिंग फिल्म 1920 द हॉरर्स ऑफ द हार्ट के प्रमोशन के दौरान भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की जमकर तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि वह अक्षरा सिंह के एटीट्यूड पर फदा हैं। अक्षरा सिंह का गाना इधर आने का नहीं में उनका एटीट्यूड काफी अच्छा है। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में एक गाना चल रहा था जो कि अक्षरा जी का गाना था। मैंने इस गाने को यूट्यूब पर देखा था। क्या गाना है वो, क्या एटीट्यूड है उनका, मैं फदा हो गया। वहीं अपनी इस तारीफ का वीडियो एक्ट्रेस के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और उन्हें धन्यवाद दिया गया। इसके साथ ही अक्षरा सिंह ने डायरेक्टर को उनकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षा तकनीक को अपनाएगा CBSE। 16 जून से शुरू हुई बिहार की राजधानी पटना में स्थित होटल मौर्या में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक की अध्यक्षता में बिहार बोर्ड के दो दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव में पटना पहुंची CBSE की अध्यक्ष निधि छब्बर के द्वारा कहा गया कि CBSE के द्वारा बहुत जल्दी बिहार बोर्ड की परीक्षा तकनीक को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10वीं बोर्ड को खत्म करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि पढ़ाई के तरीके में कुछ बदलाव किए जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब 3 साल में ही बच्चों का स्कूल में नामांकन हो सकेगा। CBSE स्कूलों में NCERT आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाई जाती है। साल 2024 में होने वाले परीक्षा को लेकर केस स्टडी वाले प्रश्नों की संख्या में इजाफा करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही पढ़ाई के तरीकों में भी बदलाव लाया जा सके, इसके लिए भी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। VTR में अंडे से निकले 100 से अधिक घड़ियाल के बच्चे को छोड़ा गया गंडक में। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार सरकार और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया समेत कैलिफोर्निया लॉस एंजलस जू की देखरेख में अंडे से निकले 100 से अधिक घड़ियाल के बच्चे को 2.5 महीने का होने के बाद गंडक नदी में छोड़ दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2016 में किए गए सर्वे में इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई थी कि गंडक में घड़ियाल की संख्या करीब 1 दर्जन थी, जो अब बढ़कर 500 हो गई है, जिसके बाद अब चंबल नदी के बाद सबसे घड़ियाल गंडक नदी में है। बता दें गंडक में पाए जाने वाले घड़ियाल दरअसल विलुप्त हो चुके डायनासोर प्रजाति के हैं। मालूम हो कि 100 से अधिक घड़ियाल के बच्चों के अंडे को गंडक नदी के किनारे से ही बरामद किया गया था।
इस दिन से डीजल पर चलने वाली व्यावसायिक वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध। वायु की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और डीजल वाहनों से बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से बिहार की राजधानी पटना में अगले 1 सितंबर से निजी स्तर पर नगर बस सेवा में चलाई जा रही सभी तरह के डीजल चालित व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को बंद कर दिया जाएगा और CNG और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से ई रिक्शा के परिचालन को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके बाद अब राजधानी पटना में ई रिक्शा की संख्या 15,000 से अधिक हो गई है। वहीं शहर में डीजल ऑटो के परिचालन में काफी कमी आई है। आज आएगा JEE एडवांस का रिजल्ट, ऐसे करे चेक। आज यानी कि 18 जून को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी की ओर से JEE एडवांस 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए IIT JEE की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी की ओर से JEE एडवांस्ड 2023 का रिजल्ट जारी किए जाने के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। अधिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार JEE एडवांस की आधिकारिक साइट पर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 4 जून 2023 को आयोजित किया गया था। अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश पर लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार के द्वारा महागठबंधन की गोपनीयता भंग करने के लिए जीतनराम मांझी के ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए उनके मांझी के बचाव में उतरकर सीएम नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार NDA के हिस्सा थे तो उस दौरान वे महागठबंधन की बात दूसरे को बताते थे। उन्होंने जितनी राजनीतिक गोपनीयता भंग की है शायद उतना बिहार के किसी नेता ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में अभी इससे नीचे की पराकाष्ठा दूसरी नहीं हो सकती। उन लोगों ने दलित समाज के एक बड़े चेहरे को अपमानित करके निकालने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समय से पहले चुनाव हो जाता है तो -0 पर चले जाएंगे, तब कोई पूछने वाला भी नहीं बचेगा। ODIWC को लेकर PCB पर फूटा शाहिद अफरीदी का गुस्सा। भारत में होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि PCB की चाहत है कि इस मैच को अहमदाबाद की जगह किसी और मैदान पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के द्वारा इस मांग को लेकर PCB को आड़े हाथों लिया गया है। उन्होंने कहा कि वह क्यों अहमदाबाद की पिच पर खेलने से मना कर रहे हैं, क्या उस पिच से आग निकलती है या फिर वो डरावनी है। जाइए खेलिए और जीत कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह चैलेंज होने वाला है तो उससे पार पाना का तरीका धमाकेदार जीत है। पाकिस्तान टीम की जीत हो यही आखिर में मायने रखता है। इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। अगर भारतीय टीम वहां पर आरामदायक महसूस करती है तो आपको वहां पर जाकर उनके दर्शकों के सामने उन्हें हराना चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहोकू में 1945 का विमान दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए। बाद में एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1951 में हुई। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा 2008 में की। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2010 को TVS गोल्ड भारत नामक अपने नए कुंजी पटल में टैब के ठीक ऊपर रुपए के चिन्ह को शामिल किया। मराठा साम्राज्य का महान सेनानायक बाजीराव प्रथम का जन्म 1700 को हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा महिला स्वतंत्रता सेनानी विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म 1900 को हुआ था। महाराष्ट्र के शास्त्रीय गायक नेत्रहीन संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर का जन्म 1872 को हुआ था। प्रसिद्ध गीतकार कवि और फिल्म निर्देशक गुलजार का जन्म 1936 को हुआ था। मंगोल साम्राज्य का शासक चंगेज खान का निधन 1227 में हुआ। वार्ता में आज हम बात करेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक पत्र प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट 2023 की दूसरी छमाही में आयोजित किया जाएगा। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र नकली है। @NMC India द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। व्हाट्सएप पर भी जल्द कर पाएंगे स्क्रीन शेयर। बहुत जल्दी अब व्हाट्सएप में भी यूजर्स को स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिलने वाला है। बता दें कि फिलहाल इस पर काम चल रहा है और ये कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WABETAINFO के मुताबिक कंपनी स्क्रीन शेयर फीचर पर काम कर रही है जो यूजर्स को वीडियो कॉल के दौरान बॉटम नेविगेशन बार में मिलेगा। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन को दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि फीचर ग्रुप कॉल और ऑडियो कॉल के लिए भी उपलब्ध होगा या नहीं। ये
फीचर फिलहाल व्हाट्सएप बीटा 2.23.11.19 में मौजूद है। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट कर सकती है। मरने के बाद अब किसी और की जिंदगी रोशन करेंगे बद्री प्रसाद। बिहार के दरभंगा के प्रमुख उद्योगपति एवं समाजसेवी बद्री प्रसाद महंसरिया का बीते शुक्रवार को 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं उन्होंने मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मरने के बाद उनकी आंख को दान कर दिया जाए। ऐसे में उनके तीनों पुत्रों के द्वारा उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए DMCH के सहयोग से उनके नेत्र को दान कर दिया गया है। और इसी के साथ ऐसा काम करते हुए उन्होंने मिथिलांचल में इतिहास रचने का काम किया है, क्योंकि इससे पहले किसी के द्वारा भी ऐसा कार्य नहीं कर दिखाया गया था। वहीं इस पर उनके पुत्र का कहना है कि उन्हें इस बात का सुकून है कि पिताजी अब एक नहीं दो शरीर में रहकर दुनिया को देखेंगे। वैसे दो व्यक्ति जो आंख नहीं होने के कारण दुनिया को नहीं देख पा रहे थे, उनके पिता की सोच पर उन्हें गर्व है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, प्रयाग सिंह, सदुल्ला पलवी, उमेश ऋषिदेव, तुलसी कुमार आर्य, कृष्णा कुमार, बद्री कुमार, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद असलम, शीला देवी, संतोष राज, पंकज यादव, हरिंद्र राय, मोहम्मद सकीर हुसैन, प्रियंका कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप बिहार के पर्यटन स्थलों में कौन कौन से पर्यटन स्थल का भ्रमण कर चुके हैं? कमेंट में नाम जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।